गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिजल्ट जो है वो कल रात को जेकेपीएससी ने इशू किया है, और इस जिमन में हमारे पास जब 187 वैकेंसीज आई थी तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नियर अबाउट 20,790 कैंडिडेट्स अप्लाइड, और उसमें से मेंस में नियर अबाउट 3916 कैंडिडेट जो है उन्होंने अपना मेंस एग्जाम लिखा, और 648 कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, आउट ऑफ दैट 643 कैंडिडेट जो है उन्होंने इंटरव्यू में पार्ट लिया, और उसके बाद जो हमारा टॉपर है वो मेघा मैम, आई थिंक शी हैज गॉट 1177.50 मार्क्स, और ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है दैट्स 1076, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहा वो था 992, एससी का जो कट ऑफ रहा दैट वाज 1011, एसटी का कट ऑफ वाज 1022, एंड एसएलसी का कट ऑफ भी 1022 था। My congratulations to all the successful candidates, और उनकी families को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा था और आपकी success का जो आज results है वो आज आप सबके सामने है। तो जिन बच्चों का जिन्होंने इस exam में इन stages में continue दिन रात मेहनत की लेकिन उनका नहीं हुआ, तो I can feel your feelings this time. I can fully understand कि आप किस स्टेज से अभी गुजर रहे हैं, लेकिन सितारों से जहां और भी है, देयर इज वर्ल्ड बियॉन्ड सिविल सर्विस। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, दिस इज वेरी हार्ड टाइम बट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम क्रैक करना जो है वो मेहनत तक है, और शायद लक भी इसमें कोई पार्टिसिपेट करता है, बट आपको एक चीज है, एग्जाम क्रैक करने के लिए जो तरीका है उस तरीके में आपको वापस जाना है, इट विल टेक यू सम डेज, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू करें, और जो आपके फेलियर से जो लेसन्स आपने सीखे हैं उन लेसन्स से आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, प्लम्स भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया, बट ओवरऑल दिस इज ए कंपटीशन, और इंटरव्यू में आप शायद कुछ ही नंबर से रह गए, बट आई विल रिक्वेस्ट यू, यू हैव टू गेट बैक टू द बेसिक्स, और फिर से एक बार स्टार्ट करने की जरूरत है। My also congratulations to candidates जिनको हमने mentorship दी, मेरी टीम में जिशान ताहिर साहब थे SDM, सुबल ताहिर साहब थे स्टेट एग्जेशन ऑफिसर, आदिल साहब थे DSP, हमारे साथ राकेश सर थे जो IAS ऑफिसर है, यंग ऑफिसर है 2020 बैच के, हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक हैदर जुड़े थे, हमारे साथ जीशान साहब थे असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड की, मेंटरशिप दी जब भी उनको दफ्तर के बाद फ्री टाइम मिला, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। उसी वजह से आज जिनको हमने मेंटरशिप दी थी डायरेक्टली, उनमें से तकरीबन 12 से 13 कैंडिडेट्स जिनका भी हमें हमारे पास मैसेज आए, तो मैं अपनी टीम का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ जब मैं आज जब पेरेंट्स से बात कर रहा था जिनने एग्जाम क्वालिफाई किया, जिनके बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया, मैं बड़ा खुश हुआ। वन पेरेंट वॉज, मैं अपनी 2013 की स्टोरी को रिलेट कर रहा था जब मैं दिल्ली में था और मेरा रिजल्ट निकला था, बट मेरे घर वालों को 4 घंटे तक पता भी नहीं था, इतना फोन का पेनिट्रेशन नहीं था, मुझे खुद भी पता नहीं था कि मेरा क्वालिफाई हो गया है, और जब मैंने घर वालों को फोन किया था दे वर क्राइंग, एक आवाम का सैलाब उमड़ा पड़ा था उस टाइम मेरे घर पे जो मुबारकबाद देने के लिए आए थे। और उसके बाद हमने भी कोशिश की कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और कम से कम एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करें, तो एक रुझान जो है वो चेंज हुआ। और आजकल मैं सुबह से ही देख रहा था कि फेसबुक पे हर कोई स्टोरी शेयर कर रहा है कि इसने क्वालिफाई किया, हमारी बच्चों ने आज क्वालिफाई किया है, बट फिर भी कुछ मैसेजेस मुझे आए जिसमें कहा गया कि आप तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, बहुत कम बच्चे, शायद 1-2 नाम मेरे पास आए, बहुत कम बच्चों ने क्वालिफाई किया, या ओवरऑल अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो बहुत सारे बच्चों में ये भी एक खदशा था कि सिर्फ 30-35 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बट मेरी अपने बच्चों से गुजारिश है कि तब तक हम सिलेक्ट नहीं होंगे जब तक हम इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, हमारा जो एग्जाम में पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, तो हमें आंखें खोलने की जरूरत है। जब तक आप बेहोशी के आलम में हो तो तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, तो इस बेहोशी के आलम से निकलना है, आंखें खोलनी है। आंखें खोलने का मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम यहाँ पे बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, उस पर लिखा होता है गुटखा कॉजेज कैंसर, हम इतने अंधे हैं हम इस मैसेज को इग्नोर करते हैं फिर भी गुटखा खाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो है एहसास कमतरी, ये हमारे बच्चों में देखा गया है कि एहसास कमतरी का शिकार है, जनाब बुक्स नहीं है, मटीरियल नहीं है, एक्सपोजर नहीं है,
खुद पे कॉन्फिडेंस भी बहुत कम है। मैं बोलूंगा एक बहुत नॉर्मल एग्जाम है जिसमें आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा आपका हार्ड वर्क, आपकी परसिस्टेंस, आपका जो एक साल बैठना किताबों पे अच्छे से चीजों को समझना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार दो बच्चे थे, एक बड़ा बच्चा था एक छोटा बच्चा था। बड़ा बच्चा जो है वो कुएं में कूद गया और वो छोटे बच्चे को बोल रहा है मुझे बचाओ। छोटा बच्चा इधर उधर पैर मार रहा था कि मैं कैसे बचाऊं, तो उसने कुछ रस्सी वस्सी लाई और बड़े बच्चे को बचा दिया। तो जब गांव में उन्होंने इस स्टोरी को नरेट किया, किसी ने भरोसा नहीं किया। बट कुछ टाइम के बाद गांव के एक बुजुर्ग ने बोला इसने किया। तो सबने बोला कैसे किया, बोला इस टाइम पे इसको कोई ये बोलने वाला नहीं था कि आप नहीं कर सकते हो, और ये आप में आप हो। जब तक आप खुद पे यकीन नहीं करोगे तब तक आप इस एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज है जो हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, जिनको अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है, या अभी मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम ये जो आगे एक दो साल के बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा ना, दैट विल बी ऑल बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। हमने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया है। न्यूज़पेपर ये नहीं है कि आपको खाली सिविल सर्विस के लिए जरूरी है। प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट की बातें आवाम तक पहुंचती है थ्रू दिस पिलर। तो आपको आईआर का जो दर्पण है वो यही न्यूज़पेपर है, गवर्नमेंट की स्कीम्स का जो दर्पण है वो यही न्यूज़पेपर्स है। तो मेरी बच्चों से गुजारिश है कि आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें। अगर मैं रिलेट करूँ हिस्ट्री को, एक मोमेंट चला था लाइब्रेरी मोमेंट, उस टाइम पे 80-85% पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट थी, लेकिन फिर गाँव में एक बंदा अखबार पढ़ता था और उसके बाद वो सबको बोलता था मैंने आज ये खबर पढ़ी, फिर चर्चे होते थे। इवन लॉर्ड लिटन ने तो प्रेस पे बैन भी लगाया था 1878 में। तो हमने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। सोशल मीडिया के जमाने में आप कितना भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट, जो क्लैरिटी आपकी फिजिकल बुक से होती है, जो क्लैरिटी आपके अखबारों से होती है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। और जो भी बच्चे इस एग्जाम में आज मोटिवेट हो गए होंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियों ने क्वालिफाई किया है, तो बहुत अच्छी बात है मोटिवेट होना। बट मैं चाहूंगा कि इस मोटिवेशन को आप कंटिन्यू करें और अपने लिए एक प्लान तैयार करें, एक ड्रीम देखें, ख्वाब देखें। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी आती है, बच्चे बहुत सारे बोलते हैं जनाब कोचिंग करनी है। मुझे लगता है आजकल के जमाने में कोचिंग जो है ना वो एक बहुत छोटा सा रोल प्ले करता है। कोचिंग में आपको बस तरीका समझाया जाता है, हर एक चीज का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्लम्स का क्या होगा, मेंस का क्या होगा, इंटरव्यू का क्या होगा, बस वही तरीका आपको बताया जाएगा और एक डिसिप्लिन लाया जाएगा आपको। एक साल में आपका सिलेबस बनेगा, 3 घंटे की क्लास होगी और आप कंटिन्यूस क्लास में डिसिप्लिन बैठोगे। बट 90% मैं कहूंगा कि आपकी की मेहनत है, बस आंखें खोलने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। लोग SSB में पढ़े हुए हैं ज्यादा, केस में अगर आप देखेंगे 20,000 बच्चों ने अप्लाई किया, लेकिन SSB में अगर आप देखें FAA में 2 लाख बच्चे थे आपके, इसमें ऐसे एग्जाम में तकरीबन 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, पंचायत अकाउंट्स में लाखों में फॉर्म डाल रहे थे। कम से कम 20,000 में अगर आप देखोगे तो कंपटीशन लेवल बड़ा कम हो जाता है। गुजारिश है ठीक है आप अपने बाकी जो एग्जाम है उनको भी साथ रखें, लेकिन प्रिपरेशन एक साल की है, उसके बाद तो सिर्फ रिवीजन है। तो कोई बच्चा मुझे बोलता है 4-5 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है नहीं, एक साल अच्छी प्रिपरेशन करें उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़े। तो आप एक बार फिर से जिन्होंने भी क्वालिफाई किया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा करेंगे। और जो हमारे बच्चे आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी, जब तक आपके पास एक रहबर नहीं होगा, तो मुझे लगता है थोड़ा सा सफर जो है ना वो मुश्किल होगा, क्योंकि इंसानी वाहिद एक ऐसी जात है जिनको लॉ पढ़ाया जाता है। राय बहुत है, क्या कहेंगे लोग, इस रोग ने कश्मीर में कितनों को डिप्रेस किया, आप हो, आप खुद क्या कर सकते हो जिंदगी में, उस पे ध्यान दें। जो सुनी सुनाई बातें हैं उन पे ध्यान थोड़ा कम दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।